एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 29 जनवरी ना, आज है 29 जनवरी। सुबह का टाइम हो रहा है और टाइम 8:50 बजने वाला है। तो आज हम बना रहे हैं आलू मटर अपने खेत के, मटर बट आलू अपने खेत के नहीं है। आलू तो मैं खरीद के लाई थी, वैसे अपने खेत के भी कुछ निकले थे, 2-3 किलो आलू वो नहीं काटे हैं, जो कल मैं सब्जी लेके आई थी उसमें से काटे हैं। और ये रहा प्याज, अदरक और हरी मिर्च, एक हरी मिर्च क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। आलू मटर बन रहे हैं क्योंकि पेंट वाले आते हैं, जो पेंट करने आते हैं उनके लिए भी यही खाना बनता है, तो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। वैसे तो किचन में पेंट हो चुका है, बट ये जो लकड़ी वाले ये कैबिनेट्स बने इसमें थोड़ा एक और कोटिंग होनी बाकी बची है। तो आलू मटर बनाते हैं। टमाटर भी है, टमाटर भी मैं कल ही लेके आई हूँ, यूजुअली टमाटर यहाँ पे कम ही खाते हैं। खाना बना लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि खाना हमारा ऑलमोस्ट जो है चूल्हे पे ही बनता है, और हम जल्दी जल्दी इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि घर पे जो काम करने वाले हैं यानी कि पेंट वगैरह करने हैं तो वो भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद किचन में उनको काम करना होता है। तो ये होता है कि हमें उससे पहले पहले जो है किचन खाली करनी पड़ती है, फ्री करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो लोग भी मतलब कंफर्टेबली काम नहीं कर पाते हैं। और फिर खाना मतलब ये होता है कि सब्ज़ी वगैरह हम बना देते हैं, उसके बाद जो भी रोटी या चावल जो भी बनाने होते हैं वो उसी टाइम जब खाने होते हैं तभी, क्योंकि गैस का ऐसा होता है सिलेंडर तो कहीं पर भी उठा के रख सकते हैं लेकिन चूल्हा जो है जलता ही जलता है। और चूल्हे के खाने की आदत जब पड़ जाती है ना तो गैस पे खाना बनाने का ना मन करता है ना गैस पे बने हुआ खाना खाने का मन होता है। तो चलिए यहाँ पे आग जो है मैंने जला दी है और आलू मटर में बनाऊँगी। आलू मटर की रेसिपी कोई नई चीज़ तो है नहीं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट फिर भी जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि घर पे तो मैं आपको बताऊँ बिल्कुल भी मसाले यूज़ नहीं होते। मेथी जो होती है ना वो भी अपने घर की है, जो मेथी दाना होता है वो, और धनिया, साबुत धनिया वो भी अपने घर का, बट जीरा जो है वो मार्केट से आता है क्योंकि जीरा हमारे यहाँ पे उगता नहीं है। तो बस ये बात है। तो यहाँ उर्वी रुक नहीं रही थी तो इसको भी मैं साथ साथ में देखती रहूँगी, और जितनी देर में ये तेल वगैरह गर्म होगा उतनी देर में उर्वी के साथ खेल लूँगी मैं और इसे चुप करा लूँगी। रो रही थी बहुत, इसका मन नहीं था कहीं पर भी जाने का। मैंने आलू मटर में तड़का लगा के यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा दिया, बस आग जो है प्रॉपर जली रहे तो जल्दी बन जाएंगे। हाँ अरु ना मैं बाबा ना उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। तो हमारे यहाँ पे जैसे ही शादी वगैरह होती है उससे पहले ये नगाड़ा वगैरह बजाते रहते हैं, मतलब हल्का सा ऐसे शगुन के लिए एक दो बार बजा देते हैं दिन में। तो इसको वैसे ही धूप में रखा है, लेकिन जिस दिन कुछ भी शादी का कुछ भी हल्का फुल्का फंक्शन शुरू होगा उस दिन ये ज़रूर बजाया जाता है। लेकिन अभी भी पता ही होता है जिन जिनके घर में शादी होती है वहाँ पर नगाड़ा थोड़ी देर के लिए बज ही जाता है। लोकल लैंग्वेज में नगाड़ा बोलते हैं, वैसे तो ये नगाड़ा है। तो इसकी जो डंडियाँ ना वो बच्चों ने तोड़ दी है, तो अभी मेरे पास ये मदानी थी, मैं इसी से इसको लगा मार रही थी इस पर। वैसे इसके लिए स्पेशल डंडियाँ बनी होती है जिनसे अच्छे से बजता है, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी व्लॉग में ये, जब इसकी डंडियाँ पापा बना रहे हैं जब बन जाएगी तो मैं ज़रूर बजा के दिखाऊंगी। लेकिन ये हमारे यहाँ पे शगुन के तौर पे बजता ही बजता है। नगाड़े की जो डंडी है ना वो पापा ने छुपा दी है क्योंकि बच्चे बार बार तोड़ देते हैं ना उनको।
बजाने का इससे हो नहीं रहा है, जिसकी अलग स्पेशल डंडी होती है वो छुपा दी गई है बच्चों के आतंक से। बड्डे और इन पीढ़ी नहीं और तू सन पीनी दे चार ग्लास में लेना एक ग्लास तो दो कौन तीन जाने नहीं तीन नहीं वो दो से पांच छोटे जो भाई जाता है ये की छोड़ दो ये की छोड़ दो। तो पेंट वाले जो भैया हैं वो आ चुके हैं, उनके लिए बनेगी चाय, तो चलिए चाय बना लेते हैं। तो बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहा था हेयर ग्रोथ ऑयल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए शैम्पू ऑयल की आप कौन सा यूज़ करते हो। तो मैं आप लोगों के साथ वैसे तो हमेशा शेयर करती हूँ अपना हेयर केयर और स्किन केयर का, लेकिन आज जो हेयर ऑयल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है ये मार्स बाय जीएससी का हेयर ग्रोथ ऑयल। और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारी बालों में अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ हेयर फॉल की जो दिक्कत होती है उसे रोकने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मार्स का ये जो हेयर ऑयल है, हेयर ग्रोथ ऑयल, इसमें ऑनियन है, भृंगराज है, इसमें टी ट्री ऑयल है, ब्राह्मी ऑयल है और जोजोबा ऑयल है, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ, हेयर को स्मूथ बनाने में, डैंड्रफ को रोकने में और किसी भी तरीके के स्कैल्प इन्फेक्शंस होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए हम लोग ये अप्लाई भी कर लेते हैं, मैं भी करूँगी और मैं अपने सिस्टर के हेयर्स पर भी इसे अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हेयर ऑयल है ये 200 ml की पैकेजिंग में आता है, साथ ही साथ इसमें है ऑनियन ऑयल, भृंगराज ऑयल, टी ट्री ऑयल, ब्राह्मी ऑयल और जोजोबा ऑयल। पैकिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही इजीली जो है कैरी कर सकते हैं ट्रैवलिंग में भी। और इसके जो बेनिफिट्स है वैसे तो मैंने आप लोगों को बताई दी, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि ये जो हमारे हेयर्स की ग्रोथ ही ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इंक्रीज़ करता है ब्लड सर्कुलेशन को और हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ऑनियन ऑयल जो है वो हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल को जो है इम्प्रूव करता है, थिनिंग की प्रॉब्लम होती है उसे प्रिवेंट करता है, भृंगराज ऑयल जो है ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, टी ट्री ऑयल जो है क्लीन करता है हेयर फॉलिकल्स और डस्ट को और जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है हमारे स्कैल्प पे उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूव करता है, ब्राह्मी ऑयल जो है वो स्कैल्प को नरिश करता है और हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं उनको भी नरिश करता है, जोजोबा ऑयल जो है वो हमारे बालों को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हेयर फॉलिकल्स को जो है स्ट्रेंथ करता है और विटामिन ए और ई इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो लो जी, इसकी हेयर ऑयलिंग तो मैंने प्रॉपरली कर ली है, अब मैंने इसकी अच्छे से 15-20 मिनट जम के हेयर ऑयलिंग करी है, लेकिन अभी 15-20 मिनट टोटल तो आप लोगों को नहीं बता सकती कि फिर बहुत ज़्यादा लंबा जो है वीडियो हो जाता है। तो बस इस तरीके से इसके बाल जो है मैं बांध लूँगी और इसने जो हेयर वॉश अपना कल करना है, लेकिन अगर आप हेयर वॉश करने से 2-3 घंटे पहले भी अप्लाई करते हो तो भी इसके जो रिज़ल्ट है आपको देखने को मिलेंगे। तो हेयर ऑयल जो है मैं अमृता को लगा के आ गई हूँ और अपने लिए अपने हेयर्स में यहीं बैठ के लगाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मार्स का ये जो हेयर ग्रोथ हेयर ऑयल है, ये जो हेयर ग्रोथ ऑयल है इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल लंबे लंबे रहे, डेंडर फ्री रहे, स्मूथ रहे, तो आप ये जो हेयर ऑयल है ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक ज़रूर कीजिएगा और वहीं से आप इसे बाय कर सकते हैं। टुडे इज सैटरडे एंड सैटरडे यू आर नॉट सपोज टू वॉश योर हेयर्स, ओनली ऑन संडे यू कैन वॉश योर हेयर्स बिकॉज देर आर सम मिथ्स इन आर हिंदू कल्चर एंड वी आर सपोज मिथ्स आर मिथ बट एवरी वन फॉलो सो वी ऑल्सो फॉलो You are going to your sasural, now you have to follow everything, okay? Maybe they are not following these myths. That's not my problem. Do you want to have some banana? No, thanks. तो ये देखो यहाँ पे हमने चने की दाल जो है वो ऐसे सुखाने के लिए डाल दिए क्योंकि इसका बनेगा बेसन, तो हम लोग जो है शादियों वगैरह में वैसे भी ये जोली भी नॉर्मल बेसन नहीं, मतलब दुकान वाला बेसन नहीं लाते हैं, इसी तरीके से ये जो चने की दाल होती है ये इसे पिसवा के जो बेसन बनता है वही यूज़ करते हैं, मतलब चने की दाल खुद भी पिसवाते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी समझे आप। ये है, बाकी अच्छी खासी धूप निकली आज, सारी रज़ाइयाँ वगैरह जो है हम बाहर निकालेंगे सुखाने के लिए। तो मैं और मौर्य अभी आए हैं सड़क में घूमने के लिए क्योंकि मौर्य जो अपनी मम्मा को बहुत तंग कर देता है, मम्मा 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 करते करते तंग कर देता है, हाय कर दो
तो हाय गंदा, तो इसको घुमाने लाई हूँ, अब चलते हैं घर की तरफ। ढंग से चलो, ढंग से पैर नहीं रगड़ो। तो ये जो कनस्तर यहाँ पे रखे हैं इनको पेंट कर दिया है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे मंडप लगता है जिसको हमारी अपनी लैंग्वेज में बेद बोलते हैं, तो उस टाइम पे चार कनस्तर ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनमें मिट्टी से इनको भरते हैं, फिर जो मंडप वाले जो डंडे से होते हैं जिनको तोरण बोलते हैं आई थिंक, वो इसी में गाड़े जाते हैं। और यहाँ पे जो है खाद चिपक गई थी बाल्टी में, मम्मी उसको निकाल रहे हैं। क्या ये क्या? हाँ हाँ लो, 12:30 हो गए, मैं और मौर्य जा रहे हैं। हाँ हाय कर दो। ये क्या ये। आप पकड़ोगे? हाँ। रुको ऐसे नहीं, यहाँ से पकड़ो, हाय करो पहले। हाय। चलो नीचे छोटा बेबी दिखाएंगे भैया ना। वे 12:30 हो गए और हम जा रहे हैं छोटे बेबी को देखने के लिए, क्योंकि मैं सुबह से नहीं आई हूँ, बाकी तो सब लोग चलते हैं फिरते हैं इधर। वो देखो छोटा बेबी सो रहा है, बेबी सो रहा है। हाँ ये दो ये। हाँ आ जाओ, आओ, आओ। मुझे है क्या, इधर चोट लग जाएगी फिर मत बोलना। तेरे को ही लगेगी, मेरे को नहीं, कुछ नहीं, मैं तो छोटा बेबी को देखने आई हूँ। छोटू बेबी, इसको तो नींद ही बहुत है, नींद बहुत है इसको, उर्वी की तरह है ना। उतरो, अब उतर, जंप कर दो, 1 2 वेरी गुड। मुन्नी है ये भी, बोल मुन्नी, बोल मोनी, ओए आंख नहीं। हाँ छोड़ना कर रही है ये, छोड़नी कर रही है, निन्नू आ रहा है इसको। ओए अच्छा, मक्खी मक्खी उड़ा रहे थे, मक्खी काट रही है इसको। ये उठा लो, गोबर है ये, उठा लो हैं, चलो चलो फिर। वेरी गुड, उसको भेजा दू को ऊपर। भेज उसको ऊपर भी, मम्मा बुला रही। तो बस आज का जो व्लॉग है वो इतना ही था, कुछ खास कुछ हुआ नहीं है, बट मैंने सोचा कि चलो आज दो दो व्लॉग बन रहे हैं तो दो दो व्लॉग ही अपलोड कर देते हैं। तो आप मुझे बताना कि अमृता की शादी का जोड़ा आपको देखना है कि नहीं देखना है, या फिर शादी वाले दिन ही देखना है, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आप भी देखना चाहते हो शादी का जोड़ा, तभी हम खोल के दिखाएंगे। हाँ जी भैया, क्या बोला मामू ने? ये बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम अच्छे बच्चे हो, दोनों बोला। अच्छा तो सिर्फ बेटा बेटा बस, क्या कैसे बोले, पूरी लाइन बताओ पहले मुझे। बस भैया ने थोड़ा बोला, उसके बाद पापा ने बोला। भैया ने क्या बोला? मैंने ऐसे बोला कान पकड़ के, सॉरी मामू मैंने आपसे सुबह बदतमीजी से बात की। हाँ तो अब नहीं करनी है, ठीक है, गंदी बात होती है ये। तो ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए।